नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ साथियों, अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी की बात करेंगे हम, विदेश की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहा है। कौन से बंदों का, जो लोग विदेशों में रहते हैं, कोई भी कंट्रीज में आप रह रहे हैं, इंडियन लाइसेंस आपके पास है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता था जहाँ पे आप जिस देश में जॉब कर रहे हैं वहाँ से लेके वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको वीज़ा का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह खुद आपको जाना होता था, तब जाके आप लाइसेंस रिन्यू का ऑप्शन आता था। इससे पहले कोई ऐसी सुविधाएं इंडियन सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी इंडियन लोगों को जिनके पास इंडियन लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो रिन्यू कैसे करवाएं, तो थोड़ा सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ फेरबदल कर दिया है। मोटर व्हील एक्ट में होगा बदलाव, अब आप विदेश में बैठे भी इंडियन लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज है, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं विस्तार। देश में रहने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है कि अब आप विदेश में रहते हुए भी इंडिया में लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। यह बहुत बड़ी, मैं मानता हूं बहुत बड़ी अपडेट है कि इंडिया के आदमी विदेशों में बैठे हैं, उनके पास कार है, गाड़ी घोड़े सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो इंडिया जैसे ही आते हैं उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है, तो रिन्यू कराने में टाइम वगैरह बड़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। अब जैसे आपका लाइसेंस में मान लीजिए 10 साल का था, वो खत्म हो चुका है, आप जिस किसी भी कंट्री में, चाहे आप गल्फ कंट्री में बैठे हैं, चाहे आप यूरोप कंट्री में कहीं पर भी बैठे हैं, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो आप वहीं से बैठे अपना, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप वहीं से बैठे अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे। इसका प्रोसेस क्या रहेगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको अभी वीजा और मेरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो साथ में ऐड करने होते थे, उससे आपको छुटकारा मिल गया, वो आपको कोई जरूरत नहीं है आपको डॉक्यूमेंट लगाने की। 1989 में फेरबदल किया है। जी हां साथियों, संशोधन के लिए मिनिस्ट्री ने, मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने देश के लोगों से सुझाव भी मांगे थे और वो सुझाव ही लोगों ने दिए, उसी को मिनिस्ट्री फॉलो करेगी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री, जी हाँ, की संज्ञान में आया कि विदेश में रहने वाले लोगों को वहां के रहने के दौरान इंडिया में लाइसेंस रिन्यू कराने का अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए CMVR 1989 में फेरबदल का ऑप्शन रखा गया है। अब आप अगर किसी भी विदेश में बैठे बैठे लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप या तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, या फिर मिशन अब्रॉड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के रिन्यूअल के बाद, इन सब से रिन्यूअल से जुड़े एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद संबंधित आरटीओ को भेजा जाएगा। जी हाँ, विचार के लिए भेजा जाएगा। भाई आपका जो आपका नियरेस्ट है, जैसे आप राजस्थान, जयपुर, बिहार कहीं से भी हैं, आपका जो संबंधित आरटीओ है वहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके भेज दिया जाएगा। वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जाएगी, आपकी बैकग्राउंड को देखा जाएगा, उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा और आपके संबंधित जो भी आपका एड्रेस था इंडिया में वहाँ पहुँच जाएगा, हार्ड कॉपी आपकी ईमेल पे पहुँच जाएगी। मतलब ऐसा कुछ सरकार ने प्रोसेस रखा है, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो विदेश में बैठे इंडिया में लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे। बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।